हेलो, वेलकम बैक। 2 दिन हो गया हम लोगों का साइंस कंटिन्यू नहीं हुआ है, सो लेट अस कंटिन्यू द साइंस। हमने मॉडर्न पीरियडिक लॉ तक स्टॉप करके रखे थे, बराबर। मॉडर्न पीरियडिक लॉ हमने करके रखे थे। उसके बाद देखते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल। मॉडर्न पीरियडिक लॉ से जो बनाया गया हुआ, किसने बनाया आपको याद होगा? मॉसली, हेनरी मॉसली। हेनरी मॉसली ने बनाया हुआ जो पीरियोडिक टेबल है उसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। इसको और एक नाम है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। ओके, नाउ उसका स्पेशलिटी हम देखते हैं। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीसिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटमिक नंबर्स। क्या मतलब है? एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीसिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटमिक नंबर्स। इससे पहले हमने देखा एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था एटमिक मास के हिसाब से, और यहाँ पर है एटमिक नंबर के बढ़ता हुआ ऑर्डर के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज। सो एलिमेंट्स को एटमिक नंबर के हिसाब से, यानी नंबर का बढ़ता हुआ ऑर्डर के हिसाब से अरेंज किया। दूसरा प्रॉपर्टी देखो, दूसरा स्पेशलिटी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स कैन बी प्रिडिक्टेड मोर एक्यूरेटली। जो एलिमेंट का प्रॉपर्टी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, कैन बी प्रिडिक्टेड मोर एक्यूरेटली, और भी ज़्यादा एक्यूरेट। एक्यूरेट मीन्स परफेक्टली, और ज़्यादा परफेक्शन के साथ होने वाले जो नेक्स्ट आने वाले एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट कर पाए, या ऑलरेडी जो एलिमेंट्स हैं उनके एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट कर पाए। प्रिडिक्ट करना यानी एलिमेंट्स को देखे भी नहीं, आने वाला एलिमेंट क्या है उसका प्रॉपर्टी कैसा है करके पता चल सका। और आगे, मोस्ट ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वर रिमूव्ड। हमने देखा मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, बहुत सारे मीन्स न्यूलैंड से तो कम था लेकिन फिर भी ड्रॉबैक्स था वो, यानी डीमेरिट्स थे। और ना मोस्ट ऑफ द डीमेरिट्स, यानी ज़्यादातर सभी डीमेरिट्स, जो कमियाँ जो मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में थे, वो मोस्टली के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में निकाल दिया गया, यानी वो कमियां नजर नहीं आया। रिलेशन बिटवीन द एटमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज क्लियरली सीन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है वो बताती हूँ। देखो आप यहाँ देख सकते हैं, एक एलिमेंट सपोज ये उसका न्यूक्लियस है, ओके। इसके अंदर प्रोटोन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और ये उसके चारों तरफ घूम रहा है इलेक्ट्रॉन्स। पहला शेल, ये पहला शेल, पहला ऑर्बिट, एक दो दो इलेक्ट्रॉन इसमें फिट हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं फिट हो सकता। और उसके बाद दूसरा शेल आया, दूसरा ऑर्बिट, उसमें मैक्स टू मैक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स फिट हो सकता है। और उसके बाद अगर शेल है तो उसमें पहले वाले में 2, उसके बाद वाले में 8। कैसे फाइंड आउट करेंगे? 2n² ये फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे। बताती हूँ कैसा। 2 × n यानी नंबर ऑफ कौन सा, मतलब पहला दूसरा तीसरा, 1 2 3, तो ये नंबर ऑफ शेल कौन सा है? 1 का स्क्वायर। आंसर क्या हो गया? 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 1 2 ज़ा 2। और दूसरा वापस से 2n² देखते हैं, सेकेंड वाला, ये दूसरा शेल, तो 2 × n² 2 × इधर ये 2 और n के बीच में इंटू होता है, 2 × n² n स्क्वायर यानी 1 2 सेकेंड, तो 2 स्क्वायर 2 2 ज़ा कितना हुआ? 4 4 2 4 2 ज़ा 8। क्लियर। अब ये तीसरा शेल उसका देखते हैं कैसा। 2 × 1 2 3 3 स्क्वायर, समझ में आ रहा है? 3 स्क्वायर यानी 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकता है? 18। अगर उसके बाद एक और शेल होता तो 2 × 1 2 3 नेक्स्ट शेल का नंबर होगा 4 4 स्क्वायर 4 4 ज़ा 16, 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32। तो इस तरह एक शेल में, मतलब पूरे यहाँ से, ये शेल को के शेल बोलते हैं, के एल एम ऐसा शेल का नाम दिया हुआ है। तो ये शेल्स में
पहले वाले में 2, उसके बाद 8, उसके बाद 18, उसके बाद 32, इस तरह कैलकुलेशन करके जा सकते हैं हम। ओके, अब ये जो शेल, अभी ये मेरा, मैंने एक एलिमेंट इधर दिया है, समझो ये लास्ट वाला शेल में मेरे पास सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो पूरे एटम में उतना ही इलेक्ट्रॉन था, यानी ये 2 और ये पूरे कितना हुआ 8, 8 और 2 हो गया 10, 10 और ये 3 हो गया 13, यानी ये सिर्फ 13 इलेक्ट्रॉन वाला एक एलिमेंट है समझो। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन कैसा लिखेंगे, पहला ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में कॉमा डाल के 8, तीसरे ऑर्बिट में कॉमा डाल के कितना है 1, 2, 3 ही है इसमें। इसको ऐसा जब डालते हैं तो इसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन कहते हैं, यानी एक शेल में या एक एटम के शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। क्लियर? तो हेनरी मोस्ली जब इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज किए, जो एटमिक सॉरी एटम्स को, एलिमेंट्स को अरेंज किया, तो वो अरेंजमेंट से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छा से समझ में आ रहे थे, वो भी एक प्लस पॉइंट हुआ। बट द एम्बिक्विटी अबाउट द पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट रिमूव्ड। यहाँ पर भी छोटा सा एक प्रॉब्लम रह गया अभी भी, कि हाइड्रोजन को कहाँ पे प्लेस करना है वो बड़ा एक एम्बिक्विटी था, यानी एक अनक्लियरेंस था, क्योंकि क्यों वो अनक्लियरनेस था, मतलब क्लियर नहीं था, क्योंकि हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स का भी प्रॉपर्टी दिखा रहे थे, हैलोजन्स का भी प्रॉपर्टी दिखा रहे थे, तो सवाल ये हुआ कि हाइड्रोजन को अल्कली मेटल के साथ डालना है या हैलोजन्स के ग्रुप में डालना है। तो ये एम्बिक्विटी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, मतलब मोस्ली ने जो बनाया हुआ वो पीरियोडिक टेबल में भी मुश्किल था, निकाल नहीं पाए। ओके, यहाँ पे मैंने आपको वापस से एक बार लिख के दिया हुआ है, मैंने जो एक्सप्लेन किया था ऑलरेडी, कि एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन है उसे एटॉमिक नंबर कहते हैं, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उनको भी क्या बोल सकते हैं, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को डिनोट करने का लेटर है जेड। ओके, दूसरा है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों को प्लस करो तो एटॉमिक मास मिलेगा, उसे डिनोट करते हैं ए लेटर से, ए, जेड फॉर एटॉमिक नंबर, ए फॉर एटॉमिक मास नंबर। अब एक और नेक्स्ट देखते हैं, अब ये जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर है। ओके, हेनरी मोस्ली ने जो बनाया हुआ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लेट अस सी। यहाँ पर ये देखो आपको दिखाई देगा ए वन, ए हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ तक। ओके, ये ऐसा एक रो, ये दूसरा रो, यहाँ से ये दूसरा रो, ये सोडियम से जो ये स्टार्ट किया हुआ ये तीसरा रो, और ये फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो, सेवेंथ रो, कितना रोज है, पूरे 7 रोज। तो ये जो 7 रोस है, जो हॉरिजॉन्टल रोस है 7 है, ये हॉरिजॉन्टल रो को कहते हैं पीरियड्स। सो देर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोस कॉल्ड पीरियड्स। अब वर्टिकल कॉलम्स हम देखते हैं, ये देखो 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, पूरे 18 वर्टिकल कॉलम्स है, ये 18 वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहते हैं। क्लियर? नाउ ये पूरा बॉक्स आप काउंट करोगे तो 118 बॉक्सेस है, ये फुल, ये देखो ये भी ये भी। हाँ, इसके अलावा और एक बात, यहाँ पे रो जो था वो रो के अलावा इधर एक 1 और एक 2, दो रोस एट द बॉटम ऑफ द मेन पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज केप्ट। पीरियोडिक टेबल के मेन पार्ट के नीचे दो सेपरेट रो को अरेंज किया हुआ है। एक्चुअली ये कोई सेपरेट रो, से 8th 9th रो नहीं है, ये यहाँ से निकाला हुआ है, यानी ये देखो ये बेरियम है,
ये बेरियम के बाद जो है उसको लैंथनम कहते हैं। ये लैंथनम से लेकर, देखो इधर है लैंथनम, लैंथनम से लेकर इतना एलिमेंट्स, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, लैंथनम से फिर इधर तक का ये जो एलिमेंट्स है, इन सब का प्रॉपर्टी इससे और ये राइट साइड वाले से थोड़ा हटके हैं, पर किससे ज्यादा मिलता जुलता है, ये लैंथनम से। यानी लैंथनम समझो, ये पूरे लैंथनम के दोस्त लोग हैं, यानी ये पूरे लोग, ये पूरे एलिमेंट्स ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टी किसके साथ दिखा रहा है, लैंथनम के साथ। क्लियर? इसी तरह ये जो रेडियम है, ये Ra, उसके बाद आता है एक्टिनाइड। एक्टिनाइड इधर आपको दिखाई दे रहा है, एक्टिनाइड। इस एक्टिनाइड के बाद इतने एलिमेंट्स जो है वो पूरा किसका प्रॉपर्टी दिखा रहा है, एक्टिनाइड का। तो यहाँ पे अगर डालते, आप जरा इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ पे डालेंगे तो ये पीरियोडिक टेबल कितना अजीब दिखेगा और इतना लॉन्ग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा 15 फिट करना है यहाँ, और ये नीचे का पूरा 15 यहाँ पे फिट होना है। लेकिन ये दोनों थोड़ा अलग सा, ये इसका जोड़ी वाले जितने भी है वो पूरे ग्रुप में एक ही प्रॉपर्टी दिखा रहा है, इसका जो ग्रुप वाले पूरे एक प्रॉपर्टी दिखा रहा है, वो इनसे थोड़ा हटके हैं, ये जो लेफ्ट राइट में जो है उनसे हटके है इसका प्रॉपर्टी, समझ रहे हैं? तो इसीलिए इसके और इसके साथीदार को पूरे नीचे एक ग्रुप बना, एक पीरियड बना के डाल दिया, उस पीरियड को नाम रखा लैंथनाइड्स, और इस लैंथनाइड सीरियल्स, ओके सीरीज, सॉरी लैंथनाइड सीरीज। और यहाँ पे एक्टिनाइड के साथ जो है, और उनको एक्टिनाइड का सीरियल सीरीज ऐसा नाम रखा। तो वैसा दो सेपरेट कॉलम्स बनाए, सॉरी पीरियड्स बनाए नीचे, पर ये पीरियड कोई सेपरेट पीरियड एक्चुअली नहीं है, वो इसका ही हिस्सा। ये जो 1 2 1 2 3 4 5 सिक्स्थ पीरियड का हिस्सा है ये, और सेवेंथ पीरियड का हिस्सा है ये, तो ऑल टुगेदर 7 पीरियड ही है। क्लियर ना? अभी आपको और भी कुछ चीज़ें दिखाई देंगे यहाँ पर। मैं ये पीरियड टेबल को थोड़ा सा नीचे करती हूँ। ये देखो, यहाँ पर आपको दिखाई देगा यस ब्लॉक लिखे रखा हुआ है, बराबर। और उसके बाद सीधा इधर आओ तो पी ब्लॉक, और यहाँ पे जाओगे तो डी ब्लॉक, और एकदम नीचे जो है एफ ब्लॉक। अब यस ब्लॉक ऐसा 4 ब्लॉक में पूरे पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया हुआ है। यस ब्लॉक में आया फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, यस ब्लॉक में आया फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, यानी ये पूरा और ये पूरा, किस में आया, यस ब्लॉक में। पी ब्लॉक में आया 13 14 15 16 17 18, इतना, यानी ये फुल, ये जितने भी जो ग्रीन और ब्लू कलर के, जो पर्पल कलर के दिख रहे हैं, ये पूरे कौन से ग्रुप में आया, सॉरी कौन से ब्लॉक में आया, पी ब्लॉक में, 13 से लेके 18 तक का ग्रुप्स। इज इट क्लियर? नाउ डी ब्लॉक, ये जो मिडल में, यानी ये फर्स्ट कॉलम, ये जो बेरिलियम, ये नीचे जो दिख रहा है ये वाला बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, ये जो ग्रुप छोड़ के उसके बाजू में स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम, यहाँ से जो है क्रोमियम मैंगनीज, ये जो येलो कलर का जो दिख रहा है, ओके ये इतना, यानी कि कौन सा ग्रुप से कौन सा ग्रुप तक, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतना जो ग्रुप है वो पूरे को डी ब्लॉक में डिवाइड किया है। तो एस ब्लॉक हुआ, पी ब्लॉक हुआ, डी ब्लॉक हुआ, ओके। नाउ एफ ब्लॉक में कौन आया, नीचे का जो लैंथनाइड्स और एक्टिनाइड्स, लैंथनम के जोड़ी वाले एलिमेंट्स और एक्टिनम के जोड़ी वाले एलिमेंट। तो वैसा लैंथनाइड्स और एक्टिनाइड्स को पूरा मिलाकर एफ ब्लॉक, इतना क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आप अगर देखोगे तो आपको यहाँ पे एक जिग जैग लाइन दिखाई देगा, देखो वैसा ऐसा दिख रहे हैं, ये देखो एक जिग जैग लाइन दिखाई देगा। इस जिग जैग लाइन के टच में जो रहते हैं, एकदम पास पास में जो रहते हैं, एकदम बॉर्डर पे जो रहते हैं, वो मेटलॉइड्स हुआ। हम ऑलरेडी जानते हैं मेटलॉइड्स कौन है, जिसको मेटल का भी प्रॉपर्टी है और नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी है, यानी उन्हें मेटल भी नहीं कहा जा सकता ना नॉन मेटल कहा जा सकता, दोनों का प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत है। तो ये
मेटलॉइड्स को सेपरेटली ये जिगजैग लाइन के बॉर्डर के पास में डाले हुए हैं। और उसके बाद फिर दूसरा स्पेशलिटी क्या है, ये जो जिगजैग लाइन के जो ये जो यहाँ पे मेटलॉइड जो है उसके बॉर्डर के उसके लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स है, लेफ्ट साइड के पूरे एलिमेंट्स मेटल्स है और राइट साइड के जितने भी पूरे एलिमेंट्स है वो नॉन मेटल्स है। क्लियर है? जिगजैग लाइन के लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट्स है वो मेटल्स है, राइट साइड में जो एलिमेंट्स है वो नॉन मेटल्स है। ठीक है, अब ये जो पीरियड से लेफ्ट से राइट में जाते 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 हर एक एलिमेंट का प्रॉपर्टी स्लाइट चेंज होता है, हल्का हल्का चेंज, यानी इसका प्रॉपर्टी और इसका प्रॉपर्टी में थोड़ा सा चेंज है, इसका और इसमें आने पे और थोड़ा चेंज है, ऐसा जैसे जैसे आगे आगे जाएंगे वैसा वैसा प्रॉपर्टी में स्लाइट चेंजेस है। ओके, एंड अगर समझो ऊपर से यहां से नीचे आए तो डिफरेंस काफी ज्यादा है। ओके, नाउ अब मैंने जितने भी आपको पीरियोडिक टेबल दिखा के एक्सप्लेन किया वो मैं यहां पर लिख के रखी हूं। देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर कंटेन्स सेवन हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स। सेवन हॉरिजॉन्टल रो है जिसे पीरियड्स कहते हैं। कंटेन्स 18 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम्स है उसे ग्रुप कहते हैं। इट हैज 118 बॉक्सेस कंटेनिंग 118 एलिमेंट्स। 118 बॉक्सेस है, 118 एलिमेंट्स है, दैट मीन्स एवरी बॉक्स ईच बॉक्स हैज ओनली वन एलिमेंट। अपार्ट फ्रॉम सेवन रोज, सेवन रो जो दिया गया उसके अलावा अपार्ट मीन्स अलावा, टू मोर रोज आर केप्ट सेपरेटली एट द बॉटम। दो रो बॉटम में यानी एकदम नीचे के हिस्से में अरेंज किया हुआ है। दे आर कॉल्ड लैंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज। इन्हें लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। उसके बाद क्या दिया है, देखो पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इंटू फोर ब्लॉक्स, दैट इज एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। यस ब्लॉक में कौन से ग्रुप है, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन, स्टिल इट इज रिटन, फर्स्ट वन और टू ग्रुप। पी ब्लॉक में 13 से लेके 18 तक का ग्रुप, डी ब्लॉक में 3 से लेके 12 तक का ग्रुप। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर उसके बाद 13 से लेके 18। एफ ब्लॉक में लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, ये भी दिया था, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है। देर इज अ जिग जैग लाइन इन द पीरियोडिक टेबल, मेटलॉइड्स आर केप्ट अलोंग द बॉर्डर ऑफ दिस जिग जैग लाइन, मेटल्स लाई ऑन द लेफ्ट साइड एंड नॉन मेटल्स लाई ऑन द राइट साइड ऑफ द जिग जैग लाइन। जिग जैग लाइन के लेफ्ट साइड में मेटल्स एंड राइट साइड में नॉन मेटल्स। इन अ पीरियड देर इज स्लाइट डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, दैट ऑल्सो आई एक्सप्लेन टू यू। It is electronic configuration. It is the electronic configuration of an element which decides the group and the period in which it is to be kept. See, it is to be placed. अभी जो हमने बताया read किया जो last sentence है उसका meaning मैं बताती हूँ। अभी suppose समझो कि एक element उसका ये nucleus, okay? ये first group, sorry first shell, दो electron. ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, ओके 8 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट ऑर्बिट में मैंने फिट किया, समझो इधर एक, समझो मैंने फिट किया नहीं है, ये एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन में सॉरी ये आइटम में है, समझो दो इतना। ओके अब यहाँ पे पूरे शेल्स कितना है आप देखो, ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, पूरे नंबर ऑफ शेल्स कितने हुए, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स या शेल्स, शेल लिखो या ऑर्बिट लिखो चलेगा, कितने ऑर्बिट्स है, 3। ओके और लास्ट वाले ऑर्बिट में, लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है,
लास्ट ऑर्बिट ये है, बराबर है। ये लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, वन टू टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जो कोई भी एलिमेंट है, ये एलिमेंट थर्ड ग्रुप थर्ड पीरियड में होगा। क्यों थर्ड पीरियड में होगा, क्योंकि उसके शेल्स का काउंट थ्री है। और ये जो एलिमेंट है वो कौन से ग्रुप में होंगे, क्या है ये सेकंड ग्रुप, समझा है। यानी नंबर ऑफ शेल जितना है वो रहेगा उसका पीरियड का काउंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट जो रहेगा दैट विल बी द ग्रुप नंबर। तो कोई भी एक एलिमेंट हमें दिखेंगे, अभी सपोज समझो कि मैंने एक एलिमेंट लिया सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये समझो उसका न्यूक्लियस बनाया, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा स्ट्रक्चर बनाने का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का लिख रही हूँ, सोडियम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहला शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में एट इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में वन इलेक्ट्रॉन, ऐसा है सोडियम, क्योंकि सोडियम में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 प्लस 8 10, 10 और 1 11, 11 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 पहले, 8 सेकेंड शेल में, 1 दूसरे शेल में। तो अभी मैं ये बता सकती हूँ कि सोडियम कौन से पीरियड में, सोडियम है 1 2 3 थर्ड पीरियड में है, ओके थर्ड पीरियड पे। और सोडियम के आखिरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट। आप चाहे तो चेक करके देख सकते हैं, सोडियम आपको दिखाई देगा, यहां पर दिखाई दे रहा है, ये देखो सोडियम को थोड़ा सा करीब से हम देखते हैं, ये सोडियम, हाइड्रोजन हीलियम, सॉरी हाइड्रोजन लिथियम सोडियम, आई एम कीपिंग इट डाउन, ये पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, देखो सोडियम थर्ड पीरियड में है, समझ रहे। और कौन से ग्रुप में है, फर्स्ट ग्रुप में, क्योंकि उसके आखिरी ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट ग्रुप में, समझ रहे। देखो सोडियम थर्ड पीरियड में 1 इलेक्ट्रॉन आखिरी ऑर्बिट में, तो कौन से ग्रुप में हुआ, फर्स्ट ग्रुप में, इतना क्लियर है। चलो फिर बाकी अभी नेक्स्ट क्लास में।